हेलो, मेरा नाम भावना गुलाटी है और मेरी फर्म का नाम है द इनग्रेन स्टोर और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी फर्म 2016 में स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। 25 ईयर्स मैंने काफ़ी सारे एक्सपोर्ट हाउस और कॉलेज में प्रोफेसर के हिसाब से काफ़ी सारा काम करने के दौरान लगा कि कुछ अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे मार्केट के अंदर एक पेन पॉइंट समझ में आया कि कस्टमर्स के लिए मार्केट में कुछ कस्टमाइज गिफ्टिंग अगर कराना हो तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है जो इको फ्रेंडली भी हो। साथ में उनको ऐसी भी चाहिए कि अगर हम अपने कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स बनाते हैं, कुछ नया इनोवेटिव डेवलप करते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यानी कि वो फ्लैट पैकिंग हो, इंटरलॉक हो, फोल्डिंग हो, इस तरीके के आर्टिकल्स हम लोगों को चाहिए। उसी को पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया। जो मेरा वेंचर पे मोस्टली मेरे प्रोडक्ट इंटरलॉकिंग फ्लैट फोल्डिंग है कि जहाँ पर कारपेंटर की नीड नहीं है, ना ही कोई ग्लू और स्क्रू की नीड होती है कि आप लगाकर उसको यूज़ करें। आप खुद ही अपने आप असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो भी गिफ्ट बॉक्सेस हमें मिलते हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस वगैरह, वो वन टाइम यूजेज होते हैं, वो कोरोगेटेड बॉक्से बनते हैं। उसके लिए भी काफ़ी सारे ट्री कटिंग होती है, जो वो उसके अंदर जो गम यूज़ होती है वो भी काफ़ी हार्मफुल होती है कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। इन्हीं सब को ध्यान में रखकर जो मेरा बेस मटेरियल मैंने यूज़ किया वो पाइन MDF है। वो प्लांट्स के लेफ्ट ओवर पार्टिकल को कंप्रेस करके बनाया जाता है। वो कार्ब सर्टिफाइड है, वो हेल्थ को नुकसान नहीं करता। उसी मटेरियल से मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट बॉक्स बनाए जो मल्टीपर्पज़ यूजेज आर्टिकल्स में आते हैं। अपने कस्टमाइज गिफ्टिंग सॉल्यूशन को भी फुलफिल करने के लिए मैंने वही मटेरियल यूज़ किया क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी है। आप अपने किसी भी इमोशन को, इनोवेटिव आइडिया को लेजर कट के थ्रू इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। पजल की जैसे भी, फोल्डिंग भी, और आप डेकोरेटिव भी, आप मल्टी टाइम उसको यूज कर सकते हैं। साथ में बच्चों के लिए जो मैंने वुडन टॉयज बनाए, क्योंकि अभी कोविड के दौरान भी बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम होगी कि ना बच्चे बाहर खेलने जा सकते हैं, ना स्कूल था बच्चों का, पेरेंट्स भी काफी परेशान हो गए थे। उसी के अंदर बच्चों के लिए राइटिंग टूल्स, कैलकुलेशन बोर्ड, बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान के लिए अल्फाबेट, नंबर्स, और उस तरीके से DIY प्रोडक्ट्स भी, जो DIY टॉयज है जो बच्चों को जोड़ने और बिगाड़ने में मजा आता है, इंटरलॉकिंग बेस्ड है, तो बच्चों से क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इसमें मेरे काफी सारे कस्टमर्स हैं जो कितनी 2-3 टाइम मेरे पास रिटेन हुए। सारे बल्क बायर कस्टमर्स हैं, लिमिटेड फर्म्स हैं। साथ ही इसके अंदर 2019 में JBM ऑटो सर्विसेज ने अपनी ई बस लॉन्च किया था। उसका ई बस का जो मॉडल था, उन्होंने उस मॉडल प्रोटोटाइप का हमें ऑर्डर दे के बनाया था क्योंकि हम इस तरीके के फोल्डिंग मटेरियल पे काम कर रहे थे, और उन्होंने उसके 500 पीसेस बनाए और उन सारी मिनिस्ट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था बिफोर कोरोना। उन्होंने मुझे भी अपनी एग्जीबिशन में बुलाया था और काफ़ी अच्छा थैंकफुल नोट भी मुझे दिया। मुझे उन्होंने सम्मानित भी किया कि उनका 10 मीटर की बस को मैंने 10 इंच में बना करके उनको दिया और एकदम सेम टू सेम उनका बस लग रहा था। इस तरीके से हम किसी भी कस्टमर्स के इमोशन, उनकी फीलिंग, उनके चाही गई नीड्स को फुलफिल करते हैं और वो हमसे हैप्पीली सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें भी काम करने में मजा आता है। अब कस्टमर की नए नए आइडियाज का भी हम वेलकम करते हैं कि उसके ऊपर हम कुछ और नया काम करें। हमारी R&D कंटिन्यूस चलती रहती है।